अकेला सफ़र है, सफ़रे करबला। मैं देख रहा हूँ कि जो देखने में गरीब कहला सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास दौलत नहीं है, जो वक्त के सताए हुए हैं, वो भी इन्हीं सफ़ों में रवा दमा हैं। और वो जो अपने महलों के नरम बिस्तर छोड़ के आए हैं, वो भी इसी सफ़र में रवा दमा है। 12 तारीख से ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद मशी शुरू कर दी है उन्होंने, और आज तो समझने के ज़ायरीन का तांता बंधा हुआ है। ज़ायर अगर मौला नजफ़, मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम, मौला कायनात के रोज़े से अगर बग़ैर किसी चीज़ के अगर मशी शुरू करता है, तो उसको करबला तक इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको खाना पीना, रहना सहना, मेडिकल की फैसिलिटीज़, हर चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। أشهد أن محمد رسول चाचा के सर को सज्जाद ने गोद में लिया, जिंदान के कोने में गए, एक नन्ही सी कब्र थी, सरे अब्बास को कब्र पर रख के कहा, सकीना उठो चाचा आ गए, उठो कानों के जख्म दिखा, रुखसारों के निशान, खुला हुआ सा वाह गुरबत। नन्हे से सर को यास से बस तक तेरे रहते थे, फिर खून रोके सैयद सजाद कहते थे। मैं वो अली हूँ जिसका भरा घर उजड़ गया, ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला। सात सौ जालिमों में हाफिज कुरान थे, पर मोहम्मद की नवासे को कफन भी न मिला। करबला वादी बता तेरी किस्मत पे निसार, कि तेरे जंगल को बसाए है मदीने की बहार, तेरे सीने में है मदफून वो दुर्रे शहवार, जिससे था अर्श खुदा वंद मुअज्जम का सिंगार। मुंतखब तू हुई तख्लीक अमानत के लिए, और हक ने छाटा तुझे मैदान शहादत के लिए। एक बार
برار مجھے گود میں لے لو بابا. جی بھر کے رو لیجیے, آپ پر یہاں رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے. ایک دن وہ تھا کہ یہاں اہل بیت کو رونے نہیں دیا گیا. حسین جب کے چلے باد دو پہر رن کو گھوڑے سے اب گرے ہو سجدے میں ہے تیرا سر تیرا کٹ نہ جائے آؤ تمہیں چھپا لوں آخر حسین ماں ہوں. نہ پڑے سکون سے کرتی رہی رکھے ہوئے تھی مقصد شبیر پر نظر سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہہ چار